भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। राय विधानसभा क्षेत्र के करीब एक दर्जन गांव का दौरा करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं समाज सेवी माईराम कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है। गांव में उमड़ रही भीड़ के चलते हुए प्रोग्राम में काफी लेट होते जा रहे हैं। कौशिक ने कहा, लेट होने के बावजूद भी लोगों का हुजूम बीजेपी नेता के स्वागत में उमड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन लाल बड़ौली भारी मतों से जीत कर लोकसभा में जाएंगे और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का बिना भेदभाव के विकास करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की 25 मई को कमल के बटन क्या दबाकर मोहनलाल बड़ौली को कामयाब बनाएं। लोगों की भीड़ को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। भाजपा की भीड़ को देखकर कांग्रेसियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। ग्रामीण पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं। संपर्क अभियान चल रहा है, आप देख रहे हो रात को 9 बजे तक लोग कैसे पूरी है। सतपुर गड्डी के अंदर हूँ मैं, कितने लोग प्यार से प्यार देने के लिए मोहनलाल बड़ौली जी के लिए यहाँ खड़े हैं, बल्कि मैं एक घंटा लेट चल रहा हूँ। लोगों का जो जन सैलाब है पूरे गांव के अंदर, ये जो 500 से 1000 आदमियों की गैदरिंग है, ये आप लोगों को दर्शा रही है भी कितना प्यार भारतीय जनता पार्टी को ये लोग दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी में आस्था दे रहे हैं और जो मनोहर सरकार का 9.5 साल का कार्यक्रम रहा उसको सब ये जन समर्थन अपार भीड़ देने लग रहे हैं। वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, इसको किस तरह देखते हैं? कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है हमेशा। कांग्रेस के खुद राजीव गांधी जी कहते थे भी मैं 1 रुपया वहाँ से देता हूँ तो जनता तक 15 पैसे पहुँचते हैं, और हमारे मोदी जी बोलते हैं मैं 1 रुपया देता हूँ तो 1 का 1 रुपया पूरा पहुँचता है। ये आपके सामने तथ्य है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो पूरा देश उस पर गर्व कर रहा है और हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पर आ गए हैं और अब की बार हमने 2047 तक विकसित भारत का हम संकल्प लिया है, जो आने वाले समय में एक भारत दोबारा सोने की चिड़िया खिलाएगा और विश्व गुरु बनेगा। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं सोनीपत की सीट हम जीत चुके हैं, बीजेपी ने अपने हार मान ली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पिछली बार भी 2019 में भी कह रहा था अभी हम जीत चुके हैं, वो जनता दिखा दिया और जनता 25 तारीख को दिखा देगी और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा दोबारा फिर दिखा देगी। हम हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत रहे हैं। कितने मार्जिन से सोनीपत की सीट जीत? सोनीपत की जीत कम से कम 4 लाख मार्जिन से हम जीतेंगे। ये पूरी जनता ने लोकसभा में संकल्प ले लिया है और एक वोट भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी की नीतियों पर वोट डालेंगे। मोहनलाल बड़ौली। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।